कुछ देश डॉगी की पूंछ की तरह होते हैं, जिसे 10 साल पाइप में भी रखो तो पाइप टेढ़ा हो जाएगा लेकिन पूंछ सीधी नहीं हो सकती। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। जैसे बंदर के हाथ उस्तरा लग जाता है, वैसे ही कई साल पहले कुछ लोगों के हाथ पाकिस्तान लग गया था। तब से वो बंदर उसी उस्तरे से कभी खुद को जख्मी कर लेता है तो कभी हमें। पुलवामा हमले के बाद इमरान खान कह रहे हैं कि भारत सबूत दे, और सबूत दे तब जाके वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक्चुअली खबर ये है कि यही लाइन बोलने के लिए इमरान खान को 5 टेक लेने पड़े, क्योंकि पहले 4 टेक्स में उनकी खुद की हंसी छूट रही थी। खान साहब, आप तो खाने के बाद डकार भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, आपको तो अपनी सलवार में नाड़ा भी बाजवा से पूछ के डालना पड़ता है, और आप आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हो। अरे आप खुद ही अपने आतंकियों से भारत पर पहले हमले करवाते हो और फिर हम ही से कहते हो कि सबूत दो। ये तो वही बात हो गई जैसे किसी की माँ को उसके पड़ोसी आकर बताएं कि बहन जी, आपके बउआ के कान के नीचे ना एक तिल है। और कान के नीचे वाला एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया, ये तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा। आप कह रहे हैं कि हम बातचीत से मसला हल कर लेंगे। इसी बात पे किसी ने ट्विटर पर आपके लिए लिखा कि अगर आपको सचमुच बातचीत से मसले हल करने आते तो क्या खुद 3-3 शादी। चलो छोड़ो, आपकी समझ पर मुझे तरस आता खान साहब। आप सऊदी प्रिंस की कार चलाकर उन्हें तेल लगा रहे थे, उस इंसान को जो दुनिया भर को तेल बेचता है। कभी सोचा है आपने, दोनों मुल्क इकट्ठे आजाद हुए थे, आज हिंदुस्तान कहां है और पाकिस्तान कहां है? हम फ्लिपकार्ट और पेटीएम जैसे स्टार्टअप बना रहे हैं और आप लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन। हम दुनिया को सत्य नडेला और सुंदर पिचाई दे रहे हैं और आप मसूद अजहर और हाफिज सईद। हम दलाई लामा जैसे धर्मगुरु को शरण देते हैं और आप ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी को। पूरी दुनिया आईपीएल खेलने हमारे देश आती है और आपकी टीम खुद अपने ही देश में नहीं खेल पाती है। खान साहब, लड़का अगर बिगड़ जाता है ना तो घर वाले उसे सुधारने के लिए उसकी शादी कर देते हैं। पाकिस्तान को सुधारने के लिए तो उसकी शादी भी नहीं कराई जा सकती, और शादी कराएं भी कैसे? किसी को क्या बताएं कि लड़का क्या करता है? क्या करता है लड़का? लड़का भीख मांगकर अपना पेट भरता है, लड़का थोड़े से पैसे के लिए चीन की चापलूसी करता है, अमेरिका से डांट खाता है, ईरान से अफगानिस्तान तक कोई पड़ोसी उससे बात नहीं करता, और उसका सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड है और वो है तालिबान। वाह, क्या रिज्यूमे है, सुभान अल्लाह। अब बात समझ आई कि क्यों अमेरिकी एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पैंट उतारी जाती है, क्यों विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानी भी उस देश में खुद को पाकिस्तानी नहीं हिंदुस्तानी बताते हैं। आप कहते हैं हमें कश्मीर चाहिए, भाई 47 में तुम्हें जो पाकिस्तान दिया था वो तो तुमसे संभला नहीं, बांग्लादेश 71 में तुमसे अलग हो गया, बलूचिस्तान तुमसे कभी भी अलग हो सकता है, सिंध में रोज धमाके हो रहे हैं और POK में हरदम आजादी के नारे लगते हैं, फिर भी आप कहते हो कि हमें कश्मीर दे दो। अरे क्यों क्यों उस बच्चे की तरह बर्ताव कर रहे हो जो 4 खिलौना पहले ही तोड़ चुका है और जिद कर रहा है कि पापा मुझे तोड़ने के लिए एक और खिलौना दिया जाए। अमेरिका का तो पता नहीं खान साहब, हिंदुस्तान में बच्चे ज्यादा जिद करें ना तो बाप कान के नीचे 2 लगा देता है, इसलिए जो मिला है उसे बचा कर रखिए। ऐसा ना हो कि अगले साल IPL में एक टीम बलूचिस्तान की भी खेल रही हो, बाबर आजम चेन्नई सुपर किंग्स में हो, और आपको हमेशा के लिए रियाद में सऊदी प्रिंस की गाड़ी चलानी पड़ जाए, और जब वो प्रिंस साहब गाड़ी से उतरे तो आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़े कि प्रिंस साहब प्लीज जरा 5 स्टार दे देना रेटिंग। समझ में आई बात? जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। थैंक यू।